हज़ारा है और मैं एक कराची एथलीट हूँ। मैं क्वेटा की रहने वाली हूँ और वहीं पे मेरा पैदाइश है। 5 साल की थी जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट की। 2010 तक मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स की है और 2010 के बाद मैंने कराची प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट की। और मेरा सबसे जो बड़ा अचीवमेंट है वो मेरा एशियन गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और सैफ गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता है और मैं सैफ साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मैं गोल्ड मेडल गेम्स में मैं पहली दफ़ा जब गई तो मैंने देखा कि पाकिस्तान को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितना मतलब फील होता है कि जब किसी और मुल्क में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि लोग हमारी तरह के लिए हमारी जगह के लिए लोग खड़े होते हैं। 2019 में पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड्स की तरफ से मुझे पाकिस्तान वुमेन ऑफ द ईयर मुझे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। मैं फर्स्ट वुमेन ऑफ मतलब पाकिस्तान हूँ जिसने किसी इंडिविजुअल गेम में अभी तक पाकिस्तान के लिए कोई मेडल जीता है। फिर वहाँ पर मतलब खुशी होती है कि कोई भी रिकॉग्नाइज करता है, बाकी मतलब जो भी नहीं पहचानते वो भी अभी कहते हैं कि ये हमारी प्लेयर। अगर हम लोग फैसिलिटीज के पीछे जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेहनत करें फिर अल्लाह खुद रास्ता बना देगा और आप एक और मतलब हिस्ट्री बना सकते हैं। जैसे मैं आज नरगिस हजारा हूँ, कल कोई और नरगिस कोई और शख्स आएगा और हिस्ट्री क्रिएट कर सकते। थैंक यू HBL PSL हमें इनवाइट करने के लिए, क्योंकि आपके इस स्टेप से बाकी जो हमारे जूनियर्स हैं हमें हमसे इंस्पायर होके और इस सब चीज़ों को देख के वो भी आगे आने के लिए मतलब वो भी इंकरेज होंगे और बाकी हमारे यहाँ पे हीरोज़ बन सकते।